सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने भारत के खिलाफ अपने 13 सदस्यीय ओडीआई टीम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ओडीआई सीरीज जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 22 जुलाई से शुरू होगी। 3 मैचों की यह ओडीआई सीरीज होगी जिसका आखिरी ओडीआई 27 जुलाई को खेला जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज के लिए भारत ने काफी पहले ही स्क्वाड अनाउंस कर दिया था और अब वेस्ट इंडीज ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम की कमान संभालेंगे निकोलस पूरन। तो ही टीम में खतरनाक ऑलराउंडर जेसन होल्डर की वापसी हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज टीम का पूरा स्क्वाड बताने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप भी इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच इस सीरीज के लिए एक्साइटेड है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वेस्ट इंडीज टीम के पूरे स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से है। कप्तान निकोलस पूरन जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, साइहोप जिन्हें उप कप्तान के रूप में नामित किया गया है जो कि वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, बल्लेबाज समरक ब्रुक्स, क्रिसी काटी, जेसन होल्डर खतरनाक ऑलराउंडर, अकील हुसैन स्पिन गेंदबाज, अल्जारी जोसेफ फास्ट बॉलर, ब्रेंडन किंग ताबड़तोड़ बल्लेबाज, कायल मेयर्स ऑलराउंडर, गुडाकेश मोटी स्पिन गेंदबाज, किमो पॉल ऑलराउंडर, रोमेन पॉवेल ताबड़तोड़ बल्लेबाज और ऑलराउंडर, और जेडन सिल्स फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर दो खिलाड़ी का नाम शामिल है, रोमारियो सेफर्ड और हेडन वॉल्स जूनियर। तो कुछ इस तरीके से है भारत के खिलाफ वेस्ट इंडीज टीम का पूरा स्क्वाड। दोस्तों, बता दें कि पिछली बार जब इसी साल फरवरी में वेस्ट इंडीज की टीम 3 ओडीआई और 3 टी20 के लिए भारत दौरे पर आई थी, तब सभी 6 मैचों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। वेस्ट इंडीज की टीम ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना किया है। तो इस साल वनडे मैचों में कैरेबियन टीम का फॉर्म बहुत ही खराब रहा है, जबकि टीम इंडिया ने हाल ही में इंग्लैंड टीम को इंग्लैंड में ही 2-1 से धूल चटाई है। ऐसे में मेजबान टीम भारत के खिलाफ अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए मैदान में उतरेगी, जो कि भारत की ओडीआई टीम में रोहित, विराट, बुमराह, पंत, पांड्या और शमी जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज की टीम के लिए यह काम आसान नहीं होगा। दोस्तों, बता दें कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला ओडीआई 22 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा ओडीआई 24 जुलाई को और तीसरा ओडीआई 27 जुलाई को खेला जाएगा। तीनों मैच यहां पर त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेले जाने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी, आईपीएल से जुड़ी खबरें आपको वहां पर भी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।